जवान मूवी के बाद शाहरुख खान की आने वाली 5 मूवीज जो लगभग 10,000 करोड़ का बिजनेस करने वाली हैं, मतलब ये वो मूवी है जो पूरी तरीके से आग लगा देंगी और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगी। तो उससे पहले बात कर लेते हैं जवान मूवी के बारे में। तो देखो, जवान मूवी ने लगभग 960 करोड़ कमा ली है वर्ल्ड वाइड, मतलब बहुत जल्दी ये मूवी 1,000 करोड़ कमाने वाली है और ये मूवी पठान को भी बहुत जल्दी पीछे छोड़ने वाली है। तो देखो, शाहरुख खान ने 4 साल का गैप लिया था, अब उस गैप को भरने के लिए शाहरुख खान की 5 ऐसी मूवी आ रही है जो की ब्लॉकबस्टर साबित होंगी। नंबर 1, टाइगर 3। अब तुम लोग सोचते होगे कि यार ये तो सलमान खान की मूवी है और इसमें शाहरुख खान का कैमियो होने वाला है। तो यार देखो, ये बात तो सही है कि इसमें शाहरुख खान का कैमियो है, लेकिन ये कैमियो इतना बड़ा होने वाला है कि शाहरुख खान के एक सीन पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इतने में तो तेरा घर जाएगा। तो वेल होगा कुछ ऐसे, जो टाइगर है उसे पाकिस्तान की आर्मी पकड़ लेगी और उसे भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तब उसे बचाने के लिए आएगा पठान। पठान जब उसे बचाएगा तो पाकिस्तान की पूरी आर्मी ने रोकने की कोशिश करेगी और वहां पर आपको ऐसे ऐसे एक्शन सीन देखने को मिलेंगे कि आपने सोची नहीं होगी। तो इस सीन पे 40 करोड़ रुपए खर्च करना बिल्कुल आम बात है, मतलब इस वाले सीन में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप हॉलीवुड से एक्सपेक्ट करते हुए आयो। नंबर 2, डंकी। तो देखो, डंकी मूवी में तुम्हें पठान और जवान की तरह तुम्हें एक्शन सीन तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी बहुत अच्छा करने वाली है क्योंकि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी। क्योंकि यार राजकुमार हिरानी डायरेक्शन के किंग है और शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग है। आप दो किंग जब एक साथ होंगे तो देखो यार तबाही तो मच जाएगी और ये मूवी लगभग 1,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। और किसी वजह से अगर ये मूवी 1,000 करोड़ टच नहीं कर पाई तो उसके आसपास ही रहने वाली है, क्योंकि राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई, MBBS, PK, 3 Idiots जैसी मूवी बना चुके हैं। तो ऐसा ही जादू वो डंकी मूवी पर भी चलाएंगे। तो डंकी मूवी की अगर बात करें तो ये 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जिसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था यार, शाहरुख खान की 2 मूवी इस साल आ चुकी है, तीसरी मूवी लाना सही है या नहीं, मतलब कहीं शाहरुख खान के फैंस के लिए ओवरडोज ना हो जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि सही मौका है, मौका देखकर चौका मार दो और मूवी रिलीज कर दो, क्योंकि इस वक्त शाहरुख खान की पूरी तरीके से हाइप बनी हुई है। नंबर 3, टाइगर वर्सेज पठान, मतलब शाहरुख वर्सेज सलमान खान। तो देखो, किसी भी मूवी में शाहरुख और सलमान का होना ही काफी है। अब इस मूवी में तो ये दोनों आमने सामने होंगे, मतलब एक दूसरे के दुश्मन। तो ये मूवी किस लेवल पर जाएगी? इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो इसका बजट लगभग 500 करोड़ होने वाला है। तो देखो, बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी 500 करोड़ कमा भी नहीं पाती है जितना ये इस मूवी पे लगा रहे हैं। वेल, मैं तो बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ इस मूवी का। हालांकि ये मूवी 2025 तक हमें देखने को मिल सकती है। नंबर 4, जवान 2। तो देखो यार, जवान का क्रेज जो आजकल हर किसी के सर पर है, उसके बाद अनाउंसमेंट हो चुका है कि जवान 2 भी बनेगी और ये बात एटली ने खुद कंफर्म की है। अगर इस मूवी की बात की जाए तो ये मूवी अभी इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी, मतलब जो जवान मूवी थी वो सिर्फ नेशनल इशूज पर थी, लेकिन ये मूवी आने वाली है इंटरनेशनल इशूज पर। तो इसमें हमें हॉलीवुड के कुछ एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर बात करें इसमें साउथ की, तो साउथ के एक्टर भी इसमें कैमियो करने वाले हैं और विजय थलापति होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस मूवी में। तो वेल, इस मूवी के अगर बजट की बात करें तो यार, जब जवान मूवी का बजट 300 करोड़ था तो इस मूवी का बजट इतना होगा ना कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर वहीं इसके एक्शन सीन्स की बात करें तो देखो, जवान मूवी में जब ऐसे एक्शन सीन्स थे तो फिर जवान 2 में क्या ही एक्शन सीन्स होंगे। तो देखो, फिल्म मेकर पूरा एफर्ट डालने वाले हैं। नंबर 5, कुकरी, जो कि अभी लाइनअप में है और ये मूवी होगी उरी की तरह, जिसमें शाहरुख खान एक फौजी का किरदार निभाने वाले हैं। अब शाहरुख खान का जो करियर स्टार्ट हुआ था वो एक फौजी के कैरेक्टर को प्ले करने से हुआ था, जो उन्होंने छोटे पर्दे पर किया था। अब बड़े पर्दे पर शाहरुख खान पहली बार फौजी बन के आएंगे तो देखने लायक होगा कि कैसा इंप्रेशन छोड़ते हैं। वेल, ये मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं आशुतोष, जिन्होंने लगान, जोधा अकबर और स्वदेश जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। वेल, इन सब मूवीज में से मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है पठान वर्सेस टाइगर का। तो आपको इनमें से किस मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार है, जल्दी कमेंट कर दो।